खाएंगे। और ये भाई देखो ये पूरा ढाबा चलाते हैं, क्या एज है आपका, एज क्या है भाई यार, 16 साल में पूरा ढाबा चला रहे हैं यार, बताइए इनसे सीखना चाहिए, अकेले चला रहे हैं, ऐसा लग रहा ना कि मैं कहीं भट्टे पे काम करता हूँ, ऐसा हो गया। आज का नाश्ता ही है, तो फाइनली अपनी बाजी के घर पे पहुँच गया। ये गाजीपुर का रोड, इधर को स्टेशन, आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो कैस ये है गाजीपुर का प्लेटफॉर्म, ये देख सकते हो, और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, अरे ये क्या हो रहा है डिस्प्ले को, कोलकाता जाने वाली ट्रेन यहाँ पर है, तो यहाँ से कुछ ही मिनटों में है अपना ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है ना, ये आनंद विहार एक्सप्रेस है, और इसके जस्ट उधर मेरा ट्रेन है। तो ये रहा कोलकाता गाजीपुर सिटी। ओके चलिए जी, ये अपना RSC S3 31 8 है। फिर एक बार ट्रेन में सफ़र, काफ़ी गर्मी है यार। ये रहा 31। चलो चलिए, ट्रेन तो चल दिया है स्टेशन से, ये रवाना हो रही है, ये ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ, ये मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ है। तो आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जो ये साइक्लोन वगैरह है ना कोलकाता का, ये भाई जो फ्लाइट वगैरह सस्पेंड हो रहा है, मेरा फ़्लाइट ना हो तो फिर सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, नहीं तो फटका लग जाएगा आपके मफके को। गर्मी भी इतनी है कि पूछो ही मत, हद से ज़्यादा गर्मी है। चलिए अब रास्ते में बने रहेंगे ट्रेन में। तो एक मैडम पहुँचे हैं बलिया, बलिया स्टेशन, थोड़ी सी आग लग गई थी ट्रेन में, सो गया था, तो कुछ ले लेते खाने के लिए यहाँ से। ये चिप्स कितने का है भैया? भैया ये वाला चिप्स कितने का है? 20। एक दे दीजिए तो। और क्या है, कचौड़ी, कचौड़ी कितने का है? 20 का दो दे दीजिए तो। चलिए फिर बने रहें, जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इस ट्रिप को लेकर के रहेगी वो आपको मैं दिया करूँगा। तो मैंने बस एक अभी यहाँ से चिप्स लिया है, अभी थोड़ा हल्का फुल्का भूख लगा था, खाना खा के करके आया था, फिर लेकर के निकलता हूँ ट्रेन अपनी है, अभी खड़ी यहाँ पर। कैसे टेंशन तो है यार, बहुत बड़ा टेंशन है। अभी एक भाई यहाँ से जो खड़े ना, इनसे बात कर रहा था मैं, ये कोलकाता जा रहे हैं, तो कोलकाता के ही है, आए थे यहाँ पर, तो ये बोले यार अभी तक फ्लाइट सस्पेंड है, सारे फ्लाइटें बंद है कोलकाता में, अभी एयरपोर्ट ही पूरा बंद है अभी तक, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए था बट और टाइम बढ़ा दिया गया है। तो मेरे को टेंशन हो रहा है अंदर ही अंदर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो है बट टेंशन बहुत ज़्यादा है कि अगर फ्लाइट सस्पेंड हो गया 23 तारीख तक तो क्या होगा। तो देखते हैं, चिंते में मतलब क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर बने रहें, अभी ये देख रहा हूँ मैं कोलकाता जाऊँ या आसनसोल में उतर जाऊँ, ये ट्रेन आसनसोल होते जाती है कोलकाता, तो वहाँ पर मेरी सिस्टर का घर है, तो वहाँ पर उतर जाऊँगा। अगर फ्लाइट सस्पेंड भी हो गया तो एक दो दिन रुक करके दूसरी फ्लाइट से चला जाऊँगा। रिटर्न टिकट है तो आने का तो चलो टिकट बचेगा ही, बट जाने का टिकट कैंसिल हो जाएगा और कुछ एक रुपये भी नहीं मिलेगा। तो फिर व्यू देखते हुए चल रहा हूँ, आधी जर्नी कम्प्लीट हो गई है, आधी जर्नी और बची है, बने रहें जुड़े रहें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस मई के महीने में, दिन में तो बिल्कुल ही ट्रैवल मत करो यार, पूरा फेस देख रहे हो मेरा डल हो गया है, ऐसा लग रहा ना कि मैं कहीं भट्टे पे काम करता हूँ, ऐसा हो गया हूँ। कोई से आया था तो पूरा घोड़ा छिट्टा था, और यहाँ पर आकर के पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कोयले के खदान में काम करके आया हूँ। कुवैती सही है इसमें, गर्मी इतनी कैसे बढ़ गई है यूपी में समझ में नहीं आ रहा यार, और यहाँ पर कोलकाता में तो भाई बारिश हो रही है। भाई स्टेशन यहाँ पर है और ट्रेन वहाँ खड़ी है, और हम लोग यहाँ पर आए खाना लेने के लिए, हो गया क्या, छूट जाएगा क्या लगता है? तो पाटलिपुत्र है ना, कौन सा है, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं पार्सल, ट्रेन में बैठ के खाएंगे। और ये भाई देखो ये पूरा ढाबा चलाते हैं, क्या एज है आपका, एज क्या है भाई यार, 16 साल में पूरा ढाबा चला रहे हैं यार, बताइए इनसे सीखना चाहिए, अकेले चला रहे हैं, पर इनके छोटे भाई यहाँ पर है। क्या बोला, जितने छोटे उतने छोटे टमाटर भी रखे। चलो भाई ये लो,
प्लेट भी दे रहे हैं। चलिए भाई चलिए, आपको मेरे से ज्यादा डर लगा, मेरा पासपोर्ट मेरे बैग में आपसे तो मेरे को स्टेशन भाई पाटलिपुत्र, और यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, पहली बार बोल रहे हैं भाई इतने दूर आए ट्रेन। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों को भाई, वो मिलते हैं फिर। हाँ चलिए, तो फाइनली अभी आसनसोल में आ गया हूँ। ओके भाई, और यहाँ से अभी मेरे को बाहर निकलना है। तो ये ट्रेन थी, तो प्लान ऐसा था कि मैं यहाँ से गाजीपुर से डायरेक्ट कोलकाता जाऊँ और थाईलैंड वगैरह विजिट करके उसके बाद अपनी सिस्टर के पास आऊँगा घूमने के लिए। बट अभी प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, अभी मैं डायरेक्ट गाजीपुर से आसनसोल आ गया और यहाँ से अपनी सिस्टर के पास जाऊँगा। आसनसोल में मेरी सिस्टर रहती हैं, तो वहाँ पर एक दिन स्टे करूँगा। अभी जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा ना यार कि फ़्लाइट वगैरह वापस से स्टार्ट हो गया, तब तक वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। अगर सस्पेंड हो गया तो फिर दो तीन दिन रुक के क्या करूँगा कोलकाता में। सबकेस ये है आसनसोल का रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं, और यहाँ पर है मेरे भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो जो ही बोलो। तो अभी बाइक से इसको यूट्यूब में छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ यूट्यूब में छोड़ेंगे। मैं थोड़ा हैंडसम नहीं लग रहा? अरे बहुत हैंडसम लग रहे हैं यार, पक्का। तो चलिए यहाँ से चलते हैं घर पे, फिर आपसे मुलाकात होगी। यार आँख में नींद है कि नींद में आके समझ में नहीं आ रहा, बहुत जोर से नींद है। ओहो स्टेशन के सामने काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की हुई है भाई, ये देखिए आप लोग। नाइट है ना तो थोड़ा क्लियर नहीं आएगा। ये एक इंजन के जैसा बनाया गया है और भाईजान बोल रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट है। चलिए भाई, भाईजान यहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली या हिंदी? अरे हिंदी यार। हिंदी? हाँ बंगाली बोलते, मैं बंगला बोल दूँगा। बंगला बोल सकते हैं? मैं बोल सकता। आप बोल सकते हैं? अभी 2 बज रहे हैं रात के, और कितनी पब्लिक है यार यहाँ पर। मंडी भाईजान बोल रहे कि ये 2 बजे यार कुछ भी नहीं है। हाँ 1 बजे चालू हो जाता, बहुत भीड़ है। आज का नाश्ता ही है, तो फाइनली अपनी बाजी के घर पे पहुंच गया। तो आज का नाश्ता बाजी ने बनाया, पूड़ी ये भुजिया बोल सकते हैं, मिष्टी दोही वेस्ट बंगाल का, अंडा अचार। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी बाजी को उनकी फैमिली को व्लॉग में लेकर के आया जाए, और यहाँ पर जो बढ़िया बढ़िया प्लेसेस है ना वेस्ट बंगाल का विजिट करेंगे, एक दिन रहना यहाँ पर। तो चलिए फिर व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ब्लॉग में। ओके और खुदा हाफिज़।